अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बात करेंगे सुपर राया की बिजाई के बारे में। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी फसल है। ये मैंने धान की कटाई के बाद इसकी बिजाई की अक्टूबर के स्टार्ट में, तो 1509 लगाई हुई थी उसकी जगह ये लगाई। तो सिंपल हल चलाया, ज़मीन तैयार हो गई, उसके ऊपर DAP और सुपर राया का सीड जो है उसका छिटा किया, और उसके ऊपर एक दफ़ा देसी हल चला के और सुहागा लगाने के बाद इसमें क्यारे डाल दिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, और माशाल्लाह फसल आपके सामने 3 माह के अंदर फसल जो है 8 से 7 फुट कद कर चुकी है, और दाने जो हैं फलियों के अंदर भराई हो रही है, और माशाल्लाह फसल बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह फरवरी में एंड में इसकी कटाई हो जाएगी। एवरेज क्या आती है वो कटाई के बाद पता लगेगा, क्योंकि मैंने ये लगाई है पहली दफ़ा। तो ये देखते हैं कितनी एवरेज आती है। लोग कहते हैं 30-35 मन आती है। अगर इतनी आती है तो गंदम इसके बिल्कुल करीब नहीं आ सकती नफ़े में। और दोस्तों ये देखें, भराई मुकम्मल है, और सबसे मज़ेदार ये बात है कि इससे खूबसूरती में इजाफ़ा हुआ, और शहद की मक्खियों ने जो है अपना इससे मिठास उठाने के बाद शहद तैयार किया हमारे लिए। ये देखें जी किस तरह माशाल्लाह फलियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो बस यही है, सारा इसकी जितनी भी बचत आएगी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कितना आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, रब रखा।